हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास ट्वेल्थ हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश एवं पद्यांश को एक ही वीडियो पे, ठीक है। और आपके एक ही इस वीडियो से 20 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के होने वाले, ठीक है। क्योंकि यार आपको पता है, बोर्ड एग्जाम में पद्यांश 10 नंबर का आता है और गद्यांश भी 10 नंबर का आता है। तो आज महत्वपूर्ण गद्यांश को देखेंगे और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे आपको गद्यांशों के उत्तर, देख सकते हो प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे पूरे नंबर मिले। देखो यार, एक चीज होता है, टॉपर केवल एक बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि उसकी लिखने की ट्रिक होती है। पढ़ता सब कोई उसी कॉपी उसी बुक से, लेकिन क्या होता है, उसकी लिखने की ट्रिक होती है। आपको भी उसी ट्रिक से सीखना है अगर आपको पूरे पूरे नंबर चाहिए, ठीक है। तो अगर 10 में 10 चाहिए, ठीक है, गद्यांश में भी 10, पद्यांश में भी 10 चाहिए, तो एकदम ट्रिक से आपको भी लिखना सीखना होगा। तो आज की वीडियो पे हम आपको क्लास ट्वेल्थ हिंदी के गद्यांश और पद्यांश को पूरा ट्रिक से लिखना सिखाएंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो बस यार, वीडियो को आखिरी तक देखना और एकदम मस्त तरीके से एक एक पॉइंट को समझना, ठीक है। तो चलो देखते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को। तो यार अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो देखो, पहले गद्यांश को देखें कैसे लिखेंगे, फिर पद्यांश को। सबसे पहले बात करें महत्वपूर्ण गद्यांश की। तो देखो, ये गद्यांश जो हमने लिया है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये आपका बहुत बार पूछा जाता है। और देखो, प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको इस टाइप से गद्यांश लिया जाएगा और इस टाइप से 5 प्रश्न दिए जाएंगे। इन 5 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने होंगे, जिससे आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ जान लो, ये जो गद्यांश और पद्यांश आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 आएंगे, ठीक है। 2 आएंगे, जैसे गद्यांश है, गद्यांश 2 आएंगे, जिसमें अथवा बीच में लगा होगा और अथवा में आपको जो आता हो उस गद्यांश को आप कर सकते हो। मान लो जैसे आपको, ठीक है, मान लो जैसे आपको 2 गद्यांश दिए गए, 2 गद्यांश दिए गए, दोनों गद्यांश में जो गद्यांश आता हो वो आप लिख लो। जैसे आपको ये एक गद्यांश दिया गया, इसके प्रश्न उत्तर, उसी टाइप से नीचे एक गद्यांश दिया जाएगा, उसके प्रश्न उत्तर लिखे जाएंगे और यहाँ पे बीच में आपको अथवा लगा होगा, ठीक है, अथवा लगा होगा और दूसरा गद्यांश और दूसरे गद्यांश के प्रश्न। तो आपको चाहे ऊपर वाला आता हो तो ऊपर वाला कर सकते हो, नीचे वाला गद्यांश आता हो तो नीचे वाला, ठीक है। तो इस टाइप से आपको 2 दिए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश की बात करें तो ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अभी पद्यांश भी आपको बताएंगे। तो देखो, प्रश्न है आपका, पूछा जाएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये देख सकते हो आपको एक गद्यांश दिया है और ये जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर लिखना एकदम आसान है और 10 नंबर भी आपको एकदम मस्त तरीके से पूरे मिलेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो गद्यांश दिया गया है इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। 1-2 बार आपको अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपको क्या होगा, आपको इसके गद्यांश का क्या पता चलेगा, गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है पहले प्रश्न में, तो आपको इसके लेखक और लेखक का नाम पता चलेगा और पाठ का नाम पता चलेगा। तो और फिर इन नीचे वाले प्रश्नों के उत्तर भी आपको इसी गद्यांश से ढूंढने हैं। तो देखो, पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे ढूंढे जाते हैं। तो पहले लिखा है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अघड़ित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। क्या कहा गया, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण उनका नाम क्या है, वसुंधरा, इससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अनेक प्रकार की या अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है और हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तो देख सकते हो, मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, ठीक है। और यहाँ पर भी धरती माता दी गई, मतलब आपको इसमें राष्ट्र के बारे में बताया गया है और ये आपका जो पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, उसी चैप्टर से गद्यांश लिया गया। जब आपने अगर बुक पढ़ी है तो आप जब इसे 1-2 बार पढ़ोगे तुरंत आपको पता चल जाएगा। देख सकते हो, धरती है, वसुंधरा है और यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी की मिट्टी है, ठीक है, पृथ्वी की देह को सजाया है। तो ये आपके कौन चैप्टर का है, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का है, ठीक है। इसी टाइप से जो अशोक का फूल वाला चैप्टर होता है, उसमें भी आपको अशोक के फूल के 2-3 जगह शब्द मिल जाते हैं, ठीक है, तो उससे भी पहचान सकते हो। तो ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आपने ये पहचाना पहले कि ये किस चैप्टर का है। तो अगर आपने पढ़ा तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का है और इसके लेखक कौन है, वासुदेव
शरण अग्रवाल। आप बात करें इन प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे एकदम ट्रिक से लिखने जिससे आपको एग्जामिनर पूरे पूरे नंबर दे। तो देखो पहला प्रश्न पढ़ो, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है और कैसे ट्रिक से लिखो जिससे आपको पूरे नंबर मिले वो भी बताते। देखो ये आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ठीक है। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे करना क्या है, सबसे पहले जैसे पेपर पे जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ये गद्यांश जो है चाहे प्रश्नोत्तर संख्या 3 में हो, 4 में हो, जिसमें भी हो, आप इस टाइप से प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, ठीक है। ये 3 में ही था तो हमने 3 डाला, प्रश्नोत्तर संख्या 3, क्योंकि आपको पता है पहले पे आपके गद्य साहित्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे पद्य साहित्य के, फिर उसके बाद तीसरे पे गद्यांश, चौथे नंबर प्रश्न पे पद्यांश होता है, ठीक है। आप बात आती कि आपको लिखना कैसे है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी संकेत। संकेत में क्या लिखना है, संकेत में जैसे आप इस गद्यांश को लिख रहे हो धरती माता की कोख वाला, तो आपको पहले इसका शुरुआत का एक दो शब्द लिखना है, जैसे धरती माता की कोख लिख दो, फिर डैश 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 करके इसका लास्ट का लिख दो पड़ताल आवश्यक है। तो हमने यहाँ पे लिखा धरती माता की कोख में, फिर डैश 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 करके लास्ट में लिख दिया आवश्यक है। ऐसा क्यों लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है कि यार एग्जामिनर को पता भी तो चले कि ये किस चैप्टर मतलब ये किस वाले गद्यांश का लिखा, क्योंकि दो गद्यांश दे जाएंगे, एक नीचे होगा एक ऊपर, तो अगर आप दर्शा दोगे कि किस गद्यांश का आपने लिखा है तभी तो वो समझ पाएगा। तो संकेत लिखना इस टाइप से हेडिंग, और फिर जैसे यहाँ पे धरती माता की कोख लिखा है तो धरती माता की कोख लिख देना कोख में, फिर डैश डैश करके लास्ट वाला इसका आवश्यक है। इसी टाइप से आप किसी भी गद्यांश पे कर देना, शुरुआत के एक दो अच्छे लिखो और लास्ट के, ठीक है, डैश डैश करके लास्ट के। पहला प्रश्न के उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, तो आपको इस गद्यांश का लेखक पता चला कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, और आपके इसके पाठ का क्या नाम है, राष्ट्र का स्वरूप। तो आपको अब लिखना कैसे, तो देखो सबसे पहले संदर्भ लिखने को कहा, तो संदर्भ एकदम ट्रिक से लिखोगे तब पूरे नंबर मिलेंगे। पहले क्या लिखो, एकदम यहाँ पे हेडिंग डाल के जैसे उत्तर नंबर का यहाँ पे पढ़ा, उत्तर नंबर का यहाँ पे पहले लिख दो पाठ का नाम, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, फिर लिखो लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। आपसे तो केवल संदर्भ पूछा, आप चाहो तो इतना ही केवल लिख सकते हो, लेकिन अगर इतना अलग से एग्जामिनर को दिखा कि हाँ पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल आपने लिख दिया, तो एकदम मस्त तरीके से आपको पूरे पूरे इस क्वेश्चन पे दो नंबर देगा, ठीक है। दो दो नंबर के पांचों क्वेश्चन है, पूरे पूरे दो नंबर आपको इस क्वेश्चन से मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ट्रिक होती है लिखने की, लिखने का तरीका होता है जिससे लड़के टॉपर बनते हैं, ठीक है। तो आपको भी उस ट्रिक को समझना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, फिर यहाँ संदर्भ लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ये जो हमारा गद्यांश कहाँ से लिया गया, पाठ्य पुस्तक हिंदी का है, तो आपने लिखा हम प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस चैप्टर से लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो इस टाइप से ट्रिक से लिखना है। सबको सब लोग क्या करते हैं, केवल इतना लिख देते हैं संदर्भ, लेकिन अगर आप इतना अलग से लिख देते हो, पाठ का नाम और लेखक का नाम अलग आपको दिखेगा एग्जामिनर को, तो पूरे पूरे नंबर देगा आपको, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लिखना है। तो उत्तर नंबर का कंप्लीट। अब उत्तर नंबर खा आता है, उत्तर नंबर दूसरा, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती, ठीक है। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती, तो यहां पे पहला लाइन पे ही उत्तर है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, तो आपको यही चीज यहां पे लिख देना है उत्तर पे, इसी से ढूंढ ढूंढ लिखना है। तो यहां पे हमने लिखा धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है उसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो यह हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, ठीक है। तो दूसरा उत्तर भी हो गया। अब तीसरा उत्तर कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कौन सा है, जिसके नीचे रेखा खींची हुई है, देख सकते हो लाइन खींची हुई है, रेखा खींची हुई है, तो जिसमें रेखा खींची हुई यही रेखांकित अंश है, आपको इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। व्याख्या करनी, जैसे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, ठीक है, जो मतलब धरती की कोख में जो निधियां अमूल्य निधियां रत्न है, ठीक है, तो वो भरे हुए हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, और उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा, तो आपको इसका क्या करना है, व्याख्या लिख देनी है। तो हमने पे लिखा रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। क्या लिखा कि अग्रवाल जी कहते हैं, अग्रवाल जी कौन है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल, तो अग्रवाल जी कहते हैं कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य रत्न भरे हैं, क्योंकि कहा गया अमूल्य निधियां भरी, निधियों का मतलब ही रत्न, ठीक है, तो अमूल्य रत्न भरे हैं, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा है, ठीक है, इसी से बना के लिखा कि वसुंधरा कहलाती, तो वही लिखा कि इसी कारण से पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा है, अर्थात रत्नों को धारण करने वाली, वसुंधरा का ये मतलब है कि जो रत्नों को धारण करे इसी कारण से उनका नाम वसुंधरा है, ठीक है। बहुमूल्य रत्न धातुएं व खनिज पदार्थ अन्न फल जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, ठीक है, जिसे भूमि अपने आंचल में छिपाए रखती है उसका परिचय हम सबको होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है, देखो कहा गया था धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधि भरी, अर्थात जो रत्न भरे उसी के कारण उनका नाम वसुंधरा है, वसुंधरा का मतलब रत्नों को धारण करने वाली,
और उससे कौन परिचित न होना चाहेगा, तो उसी से बना के लिख दिया गया कि बहुमूल्य रत्न धातुएं व खनिज पदार्थ अन्न फल जल और इसी प्रकार के असंख्य अनमोल वस्तुओं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रखती है उसका परिचय हम सबको होना चाहिए। तो ये व्याख्या हो गई इन दोनों लाइनों की, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको पूरा लिखना है। तो इस टाइप से आपके तीन प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब चौथा प्रश्न कहता है कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया, तो देखो यहीं से ढूंढो पृथ्वी की देह को किसने सजाया। तो यहाँ पे आपको लिखा गया कि देखो लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर यही आपको यही लिख देना है, ठीक है। इसी टाइप से देखो हमने चौथे प्रश्न का उत्तर लिख दिया कि लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, ठीक है। तो इसी से हमने ढूंढ के लिख दिया। अब आता है पांचवा प्रश्न कि भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि पृथ्वी की कोख में भरी अमूल्य निधियां धातुओं और पृथ्वी की देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियों आदि कि सही प्रकार से जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। इसका यही चीज है, ठीक है, भावी आर्थिक अभ्युदय। ये देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। किस चीज की, कि लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातु ये जो आपका पीस पीस कर देह को सजाया है, और इसी चीज की हमें क्या करना चाहिए, भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना चाहिए। तो इसको आपको लिख देना कि पृथ्वी की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है धातु और पृथ्वी की देह को जो सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियों आदि की सही प्रकार से जांच पड़ताल करना आवश्यक है, और यही भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। यही कहा गया था ना कि भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए, तो भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें सबकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, ठीक है। तो पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको इस तरह से लिखने थे। तो ये महत्वपूर्ण गद्यांश था। तो गद्यांश तो आपका कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं पद्यांश की। गद्यांश तो समझ में आया, सिंपल ये आपको दिया गया था। पहला प्रश्न था कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, तो आपने संदर्भ में सबसे पहले पाठ का नाम लिखा वासुदेव शरण अग्रवाल, सॉरी पाठ का नाम लिखा राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर आपने क्या लिखा संदर्भ की, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। फिर अगला क्वेश्चन, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है इनके कारण वसुंधरा कहलाती है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या और चौथा प्रश्न पांचवा प्रश्न। तो इस तरह से आपको 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो गद्यांश हो गया, आप चलते पद्यांश की ओर, ठीक है। आप बात करें महत्वपूर्ण पद्यांश की, ये वाला पद्यांश जो हमने लिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए, ठीक है। तो प्रश्न आपको इसी टाइप से दिया जाएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये पद्यांश है और इस टाइप से आपको प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, 10 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो इसको, आपको पढ़ो पहले फिर आपको समझ में आएगा किस चैप्टर का है। तो कहा गया दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष सपत है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे उसे सब सुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, ठीक है। तो किस चैप्टर का आपको पढ़ने से ही पता चल गया, देख सकते हो यहाँ पे कहा गया यदि मैं उकसाई गई भरत से हो, तो भरत आ रहे हैं, ठीक है, भरत आ रहे हैं, मतलब ये किस चैप्टर का है, कैकेयी का अनुताप, यहाँ पे देख सकते हो भर भी अनुताप न करने पाऊं, ये आपका अनुताप आ गया, ठीक है। तो किस चैप्टर का, ये कैकेयी का अनुताप, जिसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है, कैकेयी का अनुताप चैप्टर का है। इसमें क्या होता है, इसमें कैकेयी जो है, जो राम जी की माता जी हैं, उन्होंने क्या किया था, उनको वनवास भिजवा दिया गया था, ठीक है, तो माता कैकेयी के द्वारा, तो उसी का पश्चाताप करने के लिए वो वन जाती है और राम जी को वापस आने के लिए कहती है, ठीक है। तो वही चीज का वर्णन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इनके उत्तर देने हैं, तो किस चैप्टर का है, कैकेयी का अनुताप, और इसके जो कवि हैं वो कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी। तो पहला प्रश्न ये कहता है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, आपको इस पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो आपको पता चला पाठ का नाम कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, तो चलो लिखते हैं, ठीक है, देख सकते हो उसी टाइप से हमने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 4, जैसे वहाँ पे था, जो प्रश्न हो आपको उसी हिसाब से डाल देना है। यहाँ पे प्रश्न हमने लिखा 4, फिर संकेत में क्या लिखना है, वही चीज़ जैसे यहाँ दुर्बलता का ही लिखा, फिर डैश डैश करके लास्ट वाला लिख दिया ना करने पाऊँ, ठीक है। तो इस टाइप से आपको भी कर देना है, ये कर दिया। अब उत्तर नंबर पहला क्या है, संदर्भ लिखना है, तो पहले लिखो पाठ का नाम कैकेयी का अनुताप और यहाँ पे लेखक ने कवि कर देना, यहाँ पे कवि है ना ये मैथिली शरण गुप्त जी, तो यहाँ पे कवि का नाम लिख लेना, ठीक है, कवि का नाम, क्योंकि आपका जो पद्य होता है उसमें कवि होते हैं, गद्य में लेखक होते हैं, तो कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। अब संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी, वो गद्यांश है पद्यांश, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि में संकलित,
काव्य है ना ये, तो काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो ये आपको संदर्भ लिख देना, जैसे गद्यांश पे क्या था वैसा ही पद्यांश पे। अब अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश कौन सा है जिसके नीचे रेखा खींची हुई है, तो इस पे क्या कहा गया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, तो आपको इसी का अर्थ लिखना है। देखो कैकेयी जी जो है वो श्री राम को वन से लेने जाती, मनाती उनको, तो उनसे क्या कहती है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ का मतलब क्या होता है, वचन देना या कसम खाना, ठीक है। आपको पता है लोग बात बात पे क्या करते हैं, कसम खाने लगते हैं, तो वो क्या होता है दुर्बलता का चिन्ह है। तो वही वो कह रहे हैं कैकेयी जी कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, मतलब अगर जो ये शपथ है या कसम खाना एक दुर्बलता का चिन्ह है लेकिन मुझ जैसी अबला के लिए इसके अलावा कौन सा रास्ता है, तो उसका ये अर्थ है। देखो हमने यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, हमने लिखा है कि यहाँ पर कैकेयी राम को समझाते हुए कहती है कि हे पुत्र तुम अब घर लौट चलो, ठीक है। यदि शपथ दुर्बलता की निशानी, जो शपथ या वचन या कसम जो है दुर्बलता की निशानी है, तो मुझ अबला के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अतः हे पुत्र तो मैं शपथ खाती हूँ कि मेरे इस क्रियाकलाप में भरत का कोई हाथ नहीं है। मतलब भरत जी का इसमें कोई हाथ नहीं था, आपको तो पता होगा भरत जी का कोई हाथ नहीं था, केवल माता कैकेयी ने ही उनको भेजा था वन, ठीक है। तो दुर्बलता की निशानी, तो मुझे अबला के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आता हे पुत्र तो मैं शपथ खाती हूँ कि मेरे इस क्रियाकलाप में भरत का कोई हाथ नहीं है, और यदि हे विधाता मेरी यह बात तनिक भी झूठ हो, देखो ये हमने नीचे का भी थोड़ा लिख दिया है, ठीक है, कि कह रही यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही पुत्र को भी खो, ठीक है। तो नीचे का भी थोड़ा लिख दिया है कि देखो शपथ खाती हूँ क्रियाकलाप हाथ नहीं है, ठीक है, और यदि हे विधाता मेरी यह बात तनिक भी झूठ हो तो इस प्रकार मैंने पति को खो दिया उसी प्रकार मैं पुत्र को भी खो दी, और अब मुझे कोई रोकेगा नहीं, मैं जो कुछ कह रही हूँ वह सब लोग सुन ले कि मैंने जो यह पहाड़ सा पाप किया है राम को वनवास भेजकर, अब मैं चुप नहीं रह सकती, अब मुझे अपने पाप का पश्चाताप करना है। अब कहती अतः हे राम तुम अयोध्या लौट चलो, तो ये राम जी को अयोध्या लौटने के लिए कह रही है, ठीक है कैकेयी जी। तो आपको केवल यहाँ पे दो लाइन का करना था, तो हमने तो यहाँ पे पूरा लिख दिया है व्याख्या, आप केवल दो लाइन का भी कर सकते हो या पूरा का भी कर सकते हो, ठीक है, आपको इतना ही करना था, आप इन दोनों लाइन का व्याख्या कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे पूरा आपको करके दिखा दिया है कि दो लाइन पे आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। अब अगला प्रश्न है कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ये जो आपका है कहा गया राय करके पहाड़ सा, ये जो लाश की दो लाइनें इनमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपको अलंकार तो पढ़ने से पता चल जाएगा, करके पहाड़ सा पाप, पाप कैसा पहाड़ सा, मतलब पाप की उपमा की जा रही है पहाड़ से, तो इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है। सिंपल हमने यहाँ पे चौथा उत्तर लिखा कि प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा अलंकार है, ठीक है, तो चौथा उत्तर हो गया। अब पांचवा प्रश्न ये था कि पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, ये जो पद्यांश इसका क्या भाव है इसको स्पष्ट कीजिए। तो इसका भाव हमने स्पष्ट किया, यहाँ पर कैकेयी अपने पाप का पश्चाताप कर रही है और श्री राम को वापस अयोध्या जाने के लिए कह रही है, ये इसका भाव है, यही तो इस कहानी का पूरा मतलब है, ठीक है। ये जो मतलब आपका काव्य दिया गया है दुर्बलता के चिन्ह विशेष शपथ है, तो इस टाइप से भाई आपके सारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं, गद्य के भी पद्य के भी इसी टाइप से आपको लिखना है। देखो लिखने का तरीका अगर आप सीख लिए, इसी टाइप से आप किसी भी गद्यांश और पद्यांश को लिख सकते हो, ठीक है। और ये दोनों जो बताए हैं इनको हल्के में न लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इनको तैयार कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद अगले वाला जो वीडियो आएगा उस पर हम और ज्यादा इंपॉर्टेंट को देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।